वेल हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? होप सो आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। गाइस, मेरा नाम है ऐश्वर्या एंड आप देख रहे हैं ऐशूज कॉर्नर। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ वाओ स्किन साइंस आंवला हेयर ऑयल का हॉनेस्ट रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। इसकी सारी खासियत आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, साथ ही साथ इसका एप्लीकेशन भी। गाइस, सबसे पहले जो एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देना चाहती हूँ वो ये कि जो वाओ स्किन साइंस ब्रांड है ये एक इंडियन ब्रांड है एंड ये ब्रांड जितनी भी चीज़ें बनाती हैं सारी की सारे प्लांट बेस्ड इंग्रेडिएंट्स के साथ ही बनाती है। आंवला हेयर ऑयल एक न्यूली लॉन्च्ड प्रोडक्ट है वाओ स्किन साइंस का। आप अपने डल, ड्राई, फ्रेजी हेयर की केयर इस हेयर ऑयल से जरूर करें। इस हेयर ऑयल के अंदर जो सबसे अच्छी चीज मुझे लगी वो है आंवला एंड लेमन एसेंशियल ऑयल। आंवले को हम इंडियन गूसबेरी के नाम से भी जानते हैं। इन एक्टिव्स को नेचुरल कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स के साथ मिलाया जाता है, जैसे कि एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल, स्वीट आमंड ऑयल, कैस्टर ऑयल, मोरक्कन आर्गन ऑयल, जो कि बहुत ज्यादा रिच होते हैं ओमेगा फैटी एसिड्स में, विटामिन्स में, मिनरल्स में, एंटीऑक्सीडेंट्स। आंवला एक्सट्रैक्ट एक बहुत ज्यादा अच्छा सोर्स है विटामिन सी का, जो कि हमारे बालों को फ्री रेडिकल से डैमेज होने से बचा लेता है। इसके अलावा जो लेमन एसेंशियल ऑयल होता है ये भी बहुत ज्यादा रिच होता है विटामिन सी में एंड ये हमारे स्काल्प की इरिटेशन को, ड्राइनेस को रिमूव करने में काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है। अब आप लोगों के साथ ये भी शेयर कर देती हूँ कि एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल, स्वीट आमंड ऑयल, कैस्टर ऑयल, मोरक्कन आर्गन ऑयल हमारे हेयर्स को किस तरह से डैमेज होने से बचाता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल के अंदर भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, साथ ही साथ विटामिन ए, डी एंड ई भी पाया जाता है, जो कि न्यूट्रलाइज कर देते हैं फ्री रेडिकल्स एंड हमारे बालों को नरिशमेंट प्रोवाइड कर देता है, साथ ही साथ हमारे हेयर्स को हाइड्रेट भी कर देता है। इसके बाद अब मैं बात कर लेती हूँ स्वीट आमंड ऑयल की। स्वीट आमंड ऑयल के अंदर विटामिन ए, B1, B6 एंड ई प्रेजेंट रहता है, जो हमारे हेयर्स को रिपेयर करने में काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है। हमारी जो रूट्स होते हैं, जड़ें होती हैं, इन्हें मॉइस्चराइज करने का काम भी स्वीट आमंड ऑयल बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से करता है। साथ ही साथ हमारे बालों को प्रोटेक्शन भी देता है यूवी रेज से। इसके बाद मोरक्कन आर्गन ऑयल के अंदर विटामिन ई एंड फैटी एसिड्स पाए जाते हैं, जो कि हमारे हेयर्स को बहुत ज्यादा नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, हमारे हेयर्स को मॉइस्चराइज कर देते हैं, हमारे हेयर्स को बहुत ज्यादा सॉफ्ट, शाइनी एंड स्मूथ बना देते हैं और हमारे हेयर्स के टेक्सचर को सुधारने में भी काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है ये ऑयल। इसके बाद जो कोकोनट ऑयल होता है इसके अंदर हेल्दी मीडियम चेन फैटी एसिड्स होते हैं, जो कि हमारे हेयर्स को रिपेयर करने का काम बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से कर देते हैं, हमारे हेयर्स को मॉइस्चराइज कर देते हैं एंड हमारे स्काल्प में जितनी भी इरिटेशन हो रही होती है उसको रिमूव करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। इस हेयर ऑयल का एप्लीकेशन भी आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। इसमें एक कोम्ब एप्लीकेटर दिया हुआ है जो बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट बना देता है इस हेयर ऑयल को अप्लाई करने में। इस कोम्ब एप्लीकेटर की मदद से जो ऑयल है हमारे जड़ तक सीधे नरिशमेंट प्रोवाइड कर पाता है। इस ऑयल के अंदर जो आंवला और लेमन एसेंशियल ऑयल होता है ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है हमारे ब्लड सर्कुलेशन को बूस्ट करने में। ये हमारे बालों की जड़ों को बहुत ज़्यादा मजबूत कर देता है, ड्राइनेस को बालों से गायब कर देता है, साथ ही साथ हमारे बालों को बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, शाइनी एंड स्मूथ बना देता है। ये एक बहुत ज़्यादा लाइट वेट ऑयल है और बहुत ज़्यादा ईजिली हमारे स्काल्प में एब्जॉर्ब हो जाता है। अगर आप लोगों के जो बाल हैं बहुत ज़्यादा ड्राई, फ्रिजी हो रहे हैं तो आप लोगों के लिए ये जो ऑयल है बहुत ज़्यादा अच्छा है, आप इसे ज़रूर यूज़ करें। इसके जो रिजल्ट्स हैं वो वेरी कर सकते हैं, डिपेंड करता है इसके यूसेज पर। इसके अलावा आपके बालों की कंडीशन के ऊपर भी इसके जो रिजल्ट्स हैं वो डिपेंड करते हैं। आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेयर ब्रेकेज हो रहा है या फिर आपके जो स्काल्प है उसमें आपको इरिटेशन महसूस होता है तो आप इस ऑयल को ज़रूर यूज़ करें, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है ये ऑयल। हमारी इरिटेटेड स्काल्प को सूद करने का काम तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से कर ही देता है, साथ ही साथ हमारे बालों में बहुत ज़्यादा अच्छा कंडीशनिंग इफेक्ट भी लेकर के आ जाता है। हेयर वॉश करने के आधा घंटा पहले आप इसे अप्लाई करें एंड फॉर बेस्ट रिजल्ट्स आप इसे ओवरनाइट भी लगा करके रख सकते हैं। गाइस, इस हेयर ऑयल की जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ लगी वो ये कि इसके अंदर किसी भी तरह के हार्श केमिकल्स प्रेजेंट नहीं है, जैसे कि इसके अंदर किसी भी तरीके के पैराबीन्स नहीं है, किसी भी तरीके के मिनरल ऑयल्स नहीं है, किसी भी तरीके के सल्फेट्स नहीं है, सिलिकॉन्स नहीं। तो ये हेयर ऑयल 99.9% नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ ही बना हुआ है, तो श्योरली आप इसे जरूर यूज करें। गाइस, ये जो हेयर ऑयल है ये 3 डिफरेंट वेरिएंट्स में अवेलेबल है मार्केट में। मेरा जो है ये 100 ml का। गाइस, अभी तक जितने भी वाओ स्किन साइंस के प्रोडक्ट्स हैं ओनली ऑनलाइन ही अवेलेबल थे, यानी कि साइट्स लाइक फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन पर ही हमें ये मिल पाते थे।
लेकिन ये अब हमारे नियर बाय स्टोर्स पर भी अवेलेबल हैं। अगर आप लोगों को नहीं पता है कि आपके घर के पास कौन से शॉप पर ये आपको मिलने वाली है, तो आप जल्दी से वाओ ऐप डाउनलोड कीजिए एंड अपने नियर बाय स्टोर को फाइंड कीजिए। तो गाइज, मैं उम्मीद करती हूँ कि जो ये मेरी वीडियो है आप लोगों के लिए ऑफकोर्स बहुत ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। अगर मेरी वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही हो तो मेरी वीडियो को लाइक जरूर करें। आप लोगों का एक लाइक हमारे लिए काफी ज्यादा मायने रखता है। साथ ही साथ मुझे कॉमेंट करके जरूर बताएं कि मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। एंड अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है, पहली बार आए हैं, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाएं। एंड अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं एंड अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी जल्दी से फॉलो कर लीजिए। चलिए गाइज, मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।